राम राम साथियों, आप सबको राम राम और नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है भाई, कल देवनारायण मंदिर प्रकरण को लेकर मंडल में जो सबने पैदल मार्च निकाला कलेक्टर तक, और जो भी अपनी मांगे थी 5 दिन के अंदर कमेटी बनाकर राज्य सरकार से कम्युनिकेशन बिठाकर 6 महीने का आश्वासन दिया गया, ये जो कागजी कार्रवाई पूरी करके 6 महीने के अंदर मंदिर खुलवा देंगे। और जो मुस्लिम समाज के लोगों ने किया अपने, और 8 लोगों को उनके पाबंद भी कर दिया है, मुकदमे में भी आज शाम तक करीब सब गिरफ्तार हो जाएंगे। और बाकी रही बात अपने गोपाल भाई की है, कल शांतिपूर्ण माहौल से कलेक्टर साहब एसपी साहब से बात हुई और उसके अंदर कोई छोटी मोटी गलती अपनी रही, मैं उसको कहना नहीं चाहता इसके ऊपर, जो जिस वजह से भाई गोपाल गुजर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि हमारी सब बात हो चुकी थी। और उसको गोपाल को मैंने खुद ने कहा था कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं खुद लाकर पेश कर दूंगा, पहले मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन ने कहा भाई मुसलमानों को गिरफ्तार होने के बाद गोपाल को आप ले आना, मुकदमा दर्ज है, जो भी इजी प्रोसेस में कम धारा लगाकर जो करना होगा प्रोसेस कर देंगे। लेकिन कोई एक अपने, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, उसने तड़ंगा डालने की वजह से वो फिल्म उलझ गई। बाकी गोपाल गुजर पूरी रैली में था, कोई समस्या नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई, लेकिन अपने ही कोई एक खुरापाती तत्वों की वजह से उसकी समस्या आई। ये सब लोग एसपी जी को भी बताया किसकी वजह से आई, मैं मेरे मुंह से किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और भाई गोपाल गुजर को पकड़ लिया, अभी उसको यहाँ पेश किया गया कोर्ट में, मेरे 15 वकीलों की पूरी टीम काम कर रही है, गोपाल गुजर से वहां साइन करवा लिए हैं। और भाई एसपी जी को रिहा कर, ये जो निर्दोष लोग हैं इनको सबको छोड़ दिया, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये भाई किशन जी गुजर है कोड़ीखेड़ा, ये भाई सुरेश कोदिया, ये सब आप लोगों के सामने ये थाने से आ चुके हैं। ऐसी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनको ज्यादा ऐसे कोई समस्या नहीं, ये एसपी जी से खुद आप बात करिए। तो जैसा सोशल मीडिया पे एक माहौल क्रिएट हो रहा है, उस माहौल को थोड़ा शांत रखें। भाई गोपाल गुजर की बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर उसकी बेल हो जाएगी, जो भी इजी प्रोसेस उसके साथ 1-2 लड़के और हैं उनको कर देंगे, जो निर्दोष हैं उन सबको फ्री कर दिया, एक भी निर्दोषी वहां थाने में नहीं है, ये बाकी आगे की बात यही बताएंगे। राम राम भाई साहब, आप सभी साथियों को मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे भाई साहब उदयलाल जी भडाना ने आपको पूरी बात बता दी है, मैं आप सभी से शांति की अपील करता हूँ। हमें तीनों साथियों को, भाई साहब उदयलाल जी की, भडाना जी की, इन्होंने पूरी टीम ने मिलकर हमारी जमानत करवाई है, वो सभी निर्दोषों को छोड़ दिया गया है, और जल्दी भाई गोपाल बस्सी की 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखे, धन्यवाद। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, गोपाल बस्सी के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरी पूरी टीम देवनारायण संघर्ष समिति उसके साथ है, वकील से लगाकर जमानत देने वाले से लगाकर उसके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। आप सब टेंशन ना लें, चिंता ना करें, वो जो कानूनी प्रोसीजर है उसको थोड़ा अपने को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दी आपका गोपाल भाई आपके साथ होगा। जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं माहौल देख रहा हूँ, उस माहौल को थोड़ा ठंडा रखें, गोपाल गुजर हमारा भाई है, उसकी जवाबदारी हमारी है, और बहुत जल्द गोपाल गुजर बाहर होगा, बाकी सब निर्दोषों को छोड़ दिया गया, ये आप लोगों के सामने है। और ये सब टीम पठाना के सब भाई लोग साथी हैं, एक बार इनको भी इधर घुमा दिया जाए, ये देखो ये सब इनके कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सारे भाई लोग बैठे हैं, और आप चिंता ना करें, इतने लोग इनकी शुभ चिंता के यहाँ बैठे हैं।